मेरा नाम रीना शेख है, मेरा पिन नंबर 2922 है। मैंने डॉक्टर राजेश शाह की दवाई शायद 12 अगस्त 1985 से चालू किया था और वो टाइम पर मुझे हीलिंग अल्सर था। दो महीने से उससे पहले 2 महीने से मैं कुछ खाना ही नहीं खा रही थी, सिर्फ एक ग्लास पानी एक आध कैडबरी खा रही थी। लेकिन डॉक्टर शाह की दवा के बाद मैं खाने लगी और वो टाइम पर मुझे पहले एडमिट करने की बात की थी दूसरे डॉक्टर ने, लेकिन डॉक्टर शाह ने बोला कि नहीं, एडमिट नहीं होना है, हम लोग करेंगे। और उनकी दवाई से मुझे बहुत अच्छा हुआ, हीलिंग अल्सर था वो भी निकल गया। उसके बाद मुझे शायद वो टाइम से मैंने डॉक्टर शाह की दवाई चालू ही रखी थी। और फिर 1993 में मुझे 1993 या 1992 में पैर का प्रॉब्लम हुआ और ऑस्टियोस्पोरोसिस वो हुआ था, तो दोनों पैर मेरा अटक गए थे। तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपको घर घर में रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर शाह ने बोला कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो डॉक्टर शाह की दवाई से मैं चलने भी लगी और स्कूल सर्विस करती थी वहाँ पर भी जाने लगी थी। फिर थायराइड का भी मेरा था वो भी निकल गया था डॉक्टर शाह की दवाई से, पूरा निकल गया था। 7-10 साल तक मुझे थायराइड की दवाई भी लेनी नहीं पड़ी थी। और उसके बाद थोड़ा टाइम मैंने बंद किया था, लेकिन वापिस 2013 से मैंने 6 नवंबर 2013 से वापस डॉक्टर साहब की दवाई चालू की थी। वो टाइम पर मुझे ऑपरेशन हुआ था, हाथ का ऑपरेशन हुआ था, हाथ में लगा था और हीलिंग नहीं हो रही थी। लेकिन डॉक्टर राजेश शाह की दवाई से मुझे 1 महीने में हीलिंग आ गई। और मेरे जो डॉक्टर थे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अजय ठाकुर, उन्होंने बोला कि नहीं हमारी दवाई से नहीं आई, वो इधर होम्योपैथिक दवाई से आ गई। और उसके बाद मुझे स्टोन में भी बहुत फर्क हुआ है, सब में बहुत फर्क हुआ है। स्टोन का प्रॉब्लम था, फिर पैर का हीलिंग, कमर का प्रॉब्लम था, तो वो सब में मुझे डॉक्टर राजेश शाह की दवाई से ही फर्क हुआ है। और एलोपैथिक दवाई से इतना फर्क नहीं हुआ है जितना होम्योपैथिक दवाई से फर्क हुआ है। अभी दूसरा क्या है कि मैंने मम्मी और पापा के लिए भी उनकी दवाई चालू की है। मम्मी को माइस्थेनिया है तो उनमें भी फर्क है, और पापा को बार बार पेट में कौन हो जाता था। तो उसमें मुझे क्या कि हर महीने निकालने के लिए जाना पड़ता था कौन, तो अभी डॉक्टर राजेश शाह की दवाई से वो निकालने के लिए नहीं जाना पड़ता है और बहुत ही फर्क हुआ है। अभी ग्लास ये वीक में क्या हुआ कि डॉक्टर कामिनी को मिले हम लोग, तो पापा को फर्स्ट टाइम मिले थे। लेकिन डॉक्टर कामिनी ने उनको बोला कि आपको चने इतने नहीं खाना है, बहुत कम खाना है। तो पापा हमारी बात नहीं सुन रहे थे और डॉक्टर कामिनी की बात सुनने लगे, और अभी उन्होंने चने बहुत कम कर दिए हैं। तो मुझे तो बहुत ही स्टाफ का भी बहुत अच्छा लगा है। दूसरा मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप बेझिझक डॉक्टर राजेश शाह की दवाई ले सकते हैं बिना सोचे समझे। अब उनकी दवाई का इतना असर हुआ है कि मुझे इतना असर हुआ है, तो आप लोगों को 100% होगा। और आप उन पर विश्वास करके ले लीजिए दवाई, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। अगर आज मम्मी पापा की दवाई 3 साल से चालू है और पापा को 3 साल से मैंने कोल नहीं निकाला है, कोल निकालने के लिए मैं गई नहीं हूँ डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास, सर्जन के पास, इनकी दवाई से ही कौन निकल गया है और अभी होता भी नहीं है, तो आप बिना झिझक के 100% उन पर विश्वास करके दवाई लीजिए, ऐसा मेरा कहना है। मैं सबका सब डॉक्टर्स और खासतौर पर डॉक्टर कंचन और डॉक्टर कामिनी को के लिए बहुत ही मुझे मान है, क्योंकि उन्होंने पापा को समझाया है और पापा उनकी बात मानते हैं और जितनी हमारी बात नहीं मानते हैं। थैंक यू, और ऑल द स्टाफ को थैंक यू बोल रही हूँ मैं। थैंक यू।